brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. देश में बाबा रामदेव को योग गुरु के रूप में जाना जाता है। पतंजलि कंपनी के बड़े बिजनेसमैन के तौर पर भी लोग इन्हें जानते हैं। वैसे तो पतंजलि में किसी भी पद पर ये नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की ताबड़तोड़ फटकार पड़ने लगी तो पेशी का आदेश हुआ। इस दौरान पतंजलि की ओर से बाबा रामदेव और बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। देश के बेहद पावरफुल योग गुरु बाबा रामदेव की ये तस्वीर वायरल है। बाबा रामदेव हाथ बांध कर बालकृष्ण के साथ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के बेंच के सामने खड़े थे। हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे, कह रहे थे कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए। लेकिन जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने माफ करने से साफ मना कर दिया। पतंजलि आयुर्वेद, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से प्रकाशित भ्रामक विज्ञापनों पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की आपत्ति वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज स्वामी रामदेव, पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण को कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो माफीनामे का हलफनामा दिया है उनके शब्दों को लेकर कोर्ट कतई संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने साथ ही बार बार फोल्डेड हैंड यानी हाथ जोड़कर स्वामी रामदेव की तरफ से उनके वकील ने माफी मांगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं और हम इसमें माफी क्षमा याचना खेद जताते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो उनके शब्दों से कतई संतुष्ट नहीं है। बाबा की हालत सुप्रीम कोर्ट को हल्के में लेने, खुद को कानून से ऊपर समझने और मेडिकल साइंस की ऐसी तैसी करने के कारण हुई। पतंजलि प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए झूठे भ्रामक गुमराह करने वाले विज्ञापनों का कैंपेन शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से निकले तो रिपोर्टरों ने सवाल दाग दिए, लेकिन बाबा से कुछ बोलने नहीं बना। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनरी से इलाज करेंगे? सही रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर ठीक है, अरे हाँ ठीक है ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे रामदेव जी? आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? बाबा माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। चलो बाबा, कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? बाबा रामदेव की ये हालत की डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरी दिखा रहे हैं। रामदेव और पतंजलि को आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट में घसीट दिया। मामला कोरोना के समय शुरू हुआ था। आईएमए का आरोप है कि पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर कैंपेन चलाया था। पतंजलि आयुर्वेद का कैंपेन एलोपैथी मेडिसिन के खिलाफ था। रामदेव ने आईएमए या किसी से भी पूछे बिना कोरोनिल स्वसारी नाम की दवा लॉन्च कर दी। दावा किया कि कोरोना ठीक हो जाएगा। पहले सरकार के आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को कैंपेन रोकने के लिए कहा। अगस्त 2022 में आईएमए ने तो सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर दी कि पतंजलि ने कोविड के दौरान न केवल वैक्सीनेशन पर नेगेटिव बातें की बल्कि एलोपैथी मेडिसिन के खिलाफ भी मुहिम चलाई। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में पतंजलि को विज्ञापन रोकने का आदेश दे दिया, लेकिन रामदेव एंड कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हल्के में लिया। 21 नवंबर को आदेश आया, लेकिन पतंजलि के विज्ञापनों पर रोक नहीं लगी। एक दिन बाद ही बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डायबिटीज और एस्थमा को ठीक करने का भी दावा कर दिया। दिसंबर 2023 में कंपनी ने एक और विज्ञापन छापा जिसमें बाबा रामदेव और बालकृष्ण की तस्वीरें भी छपी हुई थी। बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट को ललकारने जैसी थी। यहीं से रामदेव के लिए मुश्किल बढ़नी शुरू हुई। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकारा, कोर्ट की अवमानना की चेतावनी दे डाली। रामदेव तब भी नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कोर्ट में आने को कहा, बाबा नहीं आए।
अब आए तो हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट माफ करने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है। 10 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी, फिर बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा। स्वामी रामदेव की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि उन्होंने जो किया है, उनसे जो गलती हुई है, उसके लिए वो क्षमा याचना करते हैं, लेकिन कोर्ट उसे कतई संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट की त्योरियां चढ़ी रही और उन्होंने स्वामी रामदेव के वकील को कई बार ये कहा कि आपके इन तमाम दलीलों से, इन तमाम माफीनामे से हम संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने ये देखा कि आपने हलफनामे में जो जानकारी दी है, उस जानकारी का और वास्तविक जानकारी से बिल्कुल अलग अलग है, यानी विरोधाभास है। आपके खिलाफ हम फर्जरी का मामला भी चला रहे हैं। फर्जरी का मतलब है कि गलत हलफनामा कोर्ट के सामने देना, और उसमें भी आपको जवाब दाखिल करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो ये मामला लगातार गहराता ही जा रहा है। हालांकि जस्टिस अमानुल्लाह ने बाबा की इस बात के लिए तारीफ कर दी कि उन्होंने योग के लिए अच्छा काम किया है। बाबा रामदेव राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन किसी राजनीतिक व्यक्ति से कम भी नहीं है। बीजेपी और मोदी का प्रचार करते रहे हैं। हालांकि अरसे से योग गुरु बीजेपी के लिए प्रचार करते या चुनावी कार्यक्रमों में नहीं दिखे। हालांकि बीजेपी की राजनीति और बाबा का योग एक दूसरे से हमेशा से सिंक करता हुआ सा नजर आया है। अब देखना होगा 10 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और पतंजलि के लिए क्या कुछ फैसला लेकर आता है।